सिंह प्राणी मान सरोवर की दिव्य धरती यहाँ उपस्थित हमारे साथ बनाने के लिए प्रणामी पंचायत के प्रधान श्री ललित भगत जी एवं श्री कंवर जी राणा जी, अनिल तनेजा जी, चंद्र प्रकाश कटारिया जी और यहाँ के हमारे सारे पहले सम्मान्य गौ विदुषी श्री अनिता जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रणाम। हम तो पहले जब बोल रही थी ना तो मैंने विचार किया कि ऐसे तो मुझे पता है कि मानी वितक चर्चनी विराट सबके जानकार है, संगीत भी इनका अच्छा है, लेकिन मंच भी इतना अच्छे से संभाल लेते हैं वो मुझे आज ही पता चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत अच्छा है, ऐसे ही सबको तैयार होना चाहिए ताकि आगे सत्संग जो है वो हमेशा बढ़ता रहे और एक के बाद एक कहो जब तैयार होते हैं सुंदर साथ जी तो फिर आगे धर्म प्रचार प्रसार करता रहेगा। श्री निजान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामित है। हमारे धाम धन्य श्रावित जो स्वयं सत्यचित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यचिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी लीला और लीला प्रिय है, इसीलिए उन्होंने अपने आनंद से कहो तो आनंद का स्वरूप प्रकट किया है श्री जुकराणी जी का, श्री श्याम और दूसरी ओर कहो तो एक सत्ता का स्वरूप प्रकट कर दिया जो मन का स्वरूप सत स्वरूप जिनको हम भगवान जी कहते हैं अक्षर भगवान का स्वरूप। तो हमें जागी जो मारा साथ जी ये छे आपन जोग दृढ़ लीला चौथी कर की चारों मैया चारों को यामी भूलता है। तो एक लीला जो है वो घर यानी कि परमधाम की लीला है जो हमेशा परमधाम के अंदर नित्य प्रति, क्योंकि संसार के अंदर देखो तो हमेशा हम परिवर्तन देखते हैं। युग के अंदर भी कहो तो सत्युग आता है, त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर वापस सत्युग आता है ना। तो युग परिवर्तन तो होता है, साथ साथ में परिस्थिति देखो फिर प्रकृति देखो तो सब कुछ परिवर्तनशील है, या ऋतु ये भी बदलती है, कभी ठंडी आ जाती कभी गर्मी आती कभी बारिश आती, फिर एक ऋतु में भी अब कल कितनी गर्मी थी आज देखो कितना ठंडा मौसम, फिर मनुष्य के अंदर देखो प्राणियों के अंदर देखो तो जन्म मरण बीमारी व्याधि व्याधि उपाधि तो सब कुछ परिवर्तन स्थित है संसार के अंदर, लेकिन परमधाम के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो सत्चित आनंद सच्चिदानंद भूमिका है, वो अखंड की भूमिका है, वो अविनाशी नेचर है, वह जन्म मरण नहीं है, वह बीमारी नहीं है, व्याधि व्याधि उपाधि नहीं है वहां और परिवर्तन भी नहीं है। हाँ, लीला के लिए वह यहाँ समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, समय में ऋतु बदलती है तो ऋतु के मुताबिक हम चलते हैं और मां राज्य की इच्छा के मुताबिक हो तो समय पर हम चलते हैं। जिस समय सखियों को जो अब सात घाटों के अंदर सखिया मन विहार करने के लिए आई हुई है और उनको इच्छा हो जाए मन के अंदर कहो एक बारिश की कहो उनकी बंदों की कहो उनमें जिन्ना करने की कहो उसमें जिन्ने जिन्ना की कहो उसमें जुला जिन्ने की कहो या उसका आनंद लेने की इच्छा हो जाए तो तुरंत आसमान में कहो तो बादल भी आ जाएंगे, बिजली भी चमकने लगती है, मेघ भी बरसने लगता है और उन बंदों के अंदर सख्या भी वन के अंदर घाटों के अंदर जामुन वन में अनार वन में अमृत वन में दौड़ने लगती है, खेलने लगती, बट घाट के अंदर झुला झुलने लगेगी ना। तो यह वातावरण मां की इच्छा के मुताबिक ऋतु भी बदल जाती है। तो ऐसी परमधाम की प्रेमय लीला और उस परमधाम के प्रेम को प्रकट करने के लिए देखो यज्ञ को ब्रह्मांड और खड़ा कर दिया जिसका नाम है ब्रज रास और जागरण।
ब्रज का ब्रह्मांड जिसके अंदर 11 बरस और 52 दिन लीला की, जिस लीला के अंदर भी कहा कि मामो मांगे विचार जिकरता बात जिकरता यह आत्म समय एक से जुजी देती से दिया। शरीर अलग अलग था, तन अलग अलग था, स्वरूप अलग अलग थे 12,000 के, लेकिन 12,000 की आत्मा एक ही था। क्यों? क्योंकि परम धाम की बाह्य तत्व थे, परम धाम का इश्क था, परम धाम की निस्बत नहीं जानते थे, लेकिन निस्बत का प्रेम उसी तरह से उजागर था कि कृष्ण के नाम मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर, अंतस्करण के अंदर, दिल के अंदर कहो तो किसी और का कोई स्थान ही नहीं था। तभी तो कहीं भी जाए जमुना जी में जल भर के चलेंगे, इसकी बातें करते, इसकी बातें करते हैं कृष्ण जी। गोपी गोपी सखी सखी आपस में पीछे रास्ते में मिल जाती है, जल भर के आ रही तो किसकी बातें करती है। यशोदा मैया के घर पहुंच जाती कोई ना कोई बहाना लेकर के, इसके लिए यहाँ हम सत्संग के लिए भी मिलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, बहन सागर के लिए, पाठ के लिए, पारायण के लिए, एक भजन गाए, दो भजन गाए, बीच में दो मिनट पर, दो मिनट का अगर समय मिल जाए तो हम क्या करते हैं, किसको याद करते हैं, किसकी बातें करते हैं। दो मिनट भी अगर हमें मिल जाता है तो हम बात करेंगे तो संसार की करते हैं, घर की करते हैं, सास बहू की कहानी करते हैं, या सीरियल हो या फेसबुक, आजकल इतना फेसबुक और ये कहो मोबाइल की चला है, इन घरों तो फुर्सत में, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी काम स्पीड में मैड हो जाती है, मशीन हो जाता है, ये है ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन परचेसिंग है, सब कुछ ऑनलाइन दे, इतनी सुविधा रघुजी महाराज ने दे दी, परम धाम यही संसार में बना दिया, हम संसार में ही फिर मोहित हो गए कि हमें दो मिनट की, पांच मिनट की फुर्सत मिलती है तो हमें व्हाट्सएप याद आता है, सीरियल, जिस सीरियल के अंदर आप देखो, जहां आपका मन मस्तिष्क इतना केंद्रित हो जाता है, इतना केंद्रित हो जाता है कि आप समय को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, व्यवहार को भूल जाते हो, तभी आपको कोई काम याद नहीं आता है, परिवार का कोई सदस्य याद नहीं आता है, ऐसा लगता है बाद में फोन कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, इतना मशगूल हो जाते हैं उस टीवी को, सीरियल को, पिक्चर को देखने के लिए। क्या इतना हम भक्ति में मशगूल हो पाते, भजन में सेवा पूजा करते तो हमारा मन इतना केंद्रित हो पाता कि नहीं? सेवा पूजा करते रहते कितने विचार आएंगे, कहां कहां की मैनेजमेंट कर लेंगे हम, कौन सी सब्जी बनानी है, किसको फोन करना है, कहाँ जाना है, कौन सी परचेसिंग करनी है, क्या क्या प्लान कर लेते हैं। सेवा पूजा चल रही है जुबान से, फिजिकली हम प्रेजेंट है, मेंटली भगवान का प्रेम ब्रज में दर्शन हो रहा था। क्यों? दोनों शरीर की तो गोपियों को कोई शुद्धि नहीं रहती, कि वो कहाँ है, घर से निकलती है, सास भेजती है, ससुर भेजते हैं, मटका लेकर के जाओ, दही लेकर के जाओ, मक्खन लेकर के जाओ, छाछ लेकर के जाओ, पास के गांव में जाकर के इसको बेच करके कुछ पैसे लेकर के आओ, कोई चीज वस्तु लेकर के आओ, तो भेज रही है, तो सास ससुर तो भेज रहे काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन गोपियों के दिल में क्या है, जाएंगे तो कृष्ण के दर्शन। लालच हमेशा किस चीज की है? तभी कहा काम करता अति गुण पंखे चुड़ियो थी, यानी कि एक क्षण भी कहो, एक पल भी कहो, नहीं यानी कि प्रेम, जो कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम था, उस प्रेम के अंदर प्रेम यानी भंग एक पल के लिए भी नहीं होता था। अष्टवर्धन 64 घड़ी हमेशा उनकी सुंदर कृष्ण के अंदर ही रहती थी, वो भी कृष्ण में रहती थी। यहाँ बोलते एक दिन गुम्मट जी के बाहर की चौगान में बैठे थे और एक सुंदर साथ ने मुझे प्रश्न किया, ऐसे बहुत सेवाभावी सुंदर साथ थे, पारवाड़ी सुंदर साथ थे और बहुत समर्पित
आरोपित धर्म में कहो, सेवा में कहो, नॉलेज में कहो, बहुत ही। तो मुझे ऐसे ही बात करते करते महाराज जी कि भी मिश्रे ने कहा कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोई। तो ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों? तो बोले श्वास श्वास निज नाम जो 24 घंटे तो हम निज नाम का जाप कर नहीं सकते हैं। उठना भी है, बैठना भी है, खाना भी है, सोना भी है, कोई और काम भी कर लेते, बाहर भी चले गए, तो श्वास श्वास निज नाम कैसे होगा? मैंने कहा हर चौपाई को जाहिर में इसी तरह से सामान्य भाव। हमें लगता है कि वाणी हमारे श्री जी ने इतनी प्रेमय दी है, सत्य है, इतनी सरल भाषा दी है, ये भी सत्य है, लेकिन जितनी सरलता से जाहिर अर्थ लेकर के हम चल रहे हैं ना, इतना सस्ता भी नहीं है। तारतम इतना गहरा है, इतनी गहरा है कि इस गहराई के अंदर समुद्र की गहराई भी नहीं छिप जाए। इतनी गहराई तारतम के अंदर है और हर चौपाई तारतम है, हर शब्द तारतम है। श्री जी के श्री मुख से निकला हुआ प्रकट हुआ वचन है, तो वो वचन के अंदर की गहराई, उसका महत्व, उसकी कीमत, उसका मोल कौन कर सकता है? विचार करो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वही बात महाराज चित्र साहब जी ने कही कि अष्ट प्रकरण चौसठ कड़ी निश दिन राज राज निश दिन पिया पिया निश दिन शाम शाम कही है। और वही बात यहाँ गोपियों कहती है कि मामो हमारे विचार से करता, उठता बैठता रखता हमारा चित्त के अलगों में था। फिर यथार्थम ने भी वही बात कह दी, सुपन सो जागृत तम न छोड़े सुखो जाति असल न कर। तीन चौपाई सामान्य रूप में हम कुछ भी ग्रहण करते, कोई भी भोजन को बच्चे को भी सिखाना चाहिए। कभी उन्हें आप कुछ भी डालते हो, चॉकलेट डालते हो, पानी पीते हो, कुछ भी, एक बार शर्मा जी बोल दो, भोग लग जाता है, शुद्धिकरण भी हो जाता है, का वो अन्न चला जाएगा तो अंदर भी अंतस्करण का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। और दूसरी ओर एक हैबिट होती है कि हमेशा हर कार्य में राज्य को याद करना, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और ये शुरुआत, और यहाँ से शुरुआत करते 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 जब हमारी हैबिट बन जाती है तो फिर ऐसा समय आता है गोपियों की तरह कि करना न पड़े यहाँ आशिक को माशूक का कोई इंद में देना क्या। फिर हम कहीं भी हो, चाहे हजारों करोड़ की गैदरिंग हो, सत्संग भवन में बैठे हो या बाजार के अंदर हो, किसी भी भीड़ के बीच में हो, लेकिन हमें याद नहीं करना पड़ेगा उनको, हमारी नजर या हम व्यवहार चाहे कुछ भी कर रहे हैं। समाज के अंदर, शरीर के द्वारा, संसार के अंदर हमारा व्यवहार चाहे जो भी हम कर रहे हैं, वो क्या घर संभालती थी, घर का काम करती थी, हमारे से कई गुना, हम तो कुछ नहीं करते। तब तो बेड नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं था, प्रेस नहीं थी, कोई भी मिक्सर नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने हाथों से करना पड़ता था, तो सारा कार्य करती थी। फिर भी उनको कृष्ण को याद करना पड़ता था, व्यवहार में कमी रहती थी कोई। उसी तरह से क्योंकि उनके चित्त के अंदर, स्वरूप दिल के अंदर बैठा हुआ, तो तन से चाहे कोई भी रोल निभा रही है, पत्नी का रोल निभा रही है, माँ का रोल निभा रही है, बहू का रोल निभा रही है, सास का रोल निभा रही है, चाहे कोई भी प्रकार का रोल निभा रही है, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी नजर कहाँ? कृष्ण के ऊपर रहती। यहाँ जब तारतम ने तो निस्वत को उजागर कर दिया है, तारतम ने तो निस्वत को पकड़ा दिया है, पर सबसे बड़ा सागर, सबसे गहरा सागर कौन सा है? नूर सभी सागर, जोश का भी सागर कहा, शोभा का भी सागर कहा, वाहिदत का भी सागर कहा, श्रृंगार का भी सागर कहा,
इश्क का भी सागर कहा, तिलक का भी सागर कहा, फिर निस्बत का भी सागर कहा, फिर मेहर का भी सागर है, तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा सागर? कौन सा? मेहर सागर। कौन सा सागर? सर्वक सागर, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर, एक आया प्रेम का सागर, एक आया सर्वस सागर, मेहर का सागर। अब वो जो है ना करोड़पति वाला, एक ही ऑप्शन दे तो क्या करे? दो में से एक कौन सा? मेहर। अब तो तीसरा आ गया, निस्बत। एक ही कहना है कोई भी सागर। आठों सागर असीम है, अनंत है, विशाल है, न मेहर को मापी जा सकती है, क्योंकि जो मेहर डाल ही रहे तो मेहर मापी जाएगी, न इश्क की गहराई को माप सकते हैं, न शोभा श्रृंगार एक नख कणिक ज्योत का रूप है, अखंड स्वरूप ने अस्थि आकार शोभा कोई गोरे करिए स्नेह, जो ही जो ही वचन आओ कई ऊंचा, पर वाणी मांगे ना चाहे कितने भी कीमती डिक्शनरी में से शब्द उठा करके वर्णन करो तो भी योगमाई के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो सुंदरता का श्रृंगार का सागर भी इतना गहरा है, इलम का सागर एक बुंदाई हक दिल से तीन की एक कायम तेरे चलता, एक बुंद की ही सिफत देखो, एक बुंद का ये चमत्कार देखो इलम का, इलम के सागर की गहराई कितनी। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गहरा सागर कोई है, उसके लिए आठ में से मुझे एक ही नाम चॉइस करना है, वो सागर कौन सा? मेहर का। मेहर का सागर सही है, लॉक कर दे। क्योंकि हम एक ही आदत पड़ गई ना, हमें कुछ चाहिए तो क्या करना है? मैं सागर और चाहिए हमें क्या बात है? कभी बहू चाहिए, कभी बेटा चाहिए, कभी पोती चाहिए, कभी नौकरी चाहिए, कभी लड़की ना, कभी परमधाम चाहिए, कभी इश्क चाहिए, कभी ईमान चाहिए, कभी कुर्बानी चाहिए, ये तो हम चाहते ही, क्योंकि माया के अंदर है तो माया तक ही हमारी दृष्टि जमुना जी के पार नहीं जाती है, सिर्फ बुद्धि जाती है, जमुना जी के पार हमारे शब्द जाते हैं सिर्फ, क्योंकि तारतम्य हमने सिखा दिया ना, तो हमने सीख लिया सात घाट परम धाम रंग मल आठों सागर सीख लिया, तो हमारी बुद्धि जाती है, हमारे वचन मात्र जाते हैं, हमारी दृष्टि जमुना जी को छोड़ करके उस पार नहीं जाती, सत्ता तक ही रहती है, इस पार ही रहती है। इसीलिए हमें चाहिए क्या? मेहर चाहिए, या की चीज वस्तु चाहिए, या का पद चाहिए, या की सत्ता चाहिए, या का मोह चाहिए, या का अहंकार चाहिए, या का जितना भी संसार सब सब कुछ चाहिए, एक परम नाम चाहिए। सही है, सही है, नहीं सही है तो फिर कभी परम धाम के लिए मेहर सागर किया हो कितने जन हाथ उठाओ? मिलेगा, लेकिन परम धाम मिले उसके लिए मेहर सागर किसी ने किया हो हाथ उठाओ? किसी ने परम धाम के लिए आज दिन तक हमने मेहर सागर इतना बड़ा सागर तो मेहर सागर विरह प्रकट करते इसके लिए सांसारिक दुखों के लिए, सांसारिक दुख हो जाए उसके इंद्रावती जी ने ये विरह के प्रकरण जब रखे हमारे धाम धरी ने विरह, और जिस उसके अंदर जो विरह है जो दर्द है वो दर्द वो अवस्था हम कितनी सामान्य रूप में विरह के प्रकरण को लेते हैं कि यहाँ का एक लौकिक दुख और कष्ट को दूर करने के लिए, इंद्रावती सब आप रोग भरो नागो जासो तारो ना मिले वो आत्मा की बीमारी एक विरहणी एक जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है उसी तरह से अपने सुहाग में
उसके लिए अपने प्रियतम के लिए एक रूह अपने धनी के लिए इतना वीरह कर रही है, इतना दर्द है उनके दिल के अंदर, वो दर्द उन चौपाइयों के अंदर छिपा हुआ है। वो दर्द को कभी हमने न महसूस किया, न देखा, न जानने की कोशिश करते हैं, मात्र हमें पता है कि मैं सागर करना है तो कुछ मांगने के लिए, वीरह के प्रकट करना है तो कुछ मांगने के लिए करना है, शुक्रवार जाना है तो महारानी जी का कह दिया तो हमें जाना, लेकिन ये तक हमें नहीं पता कि शुक्रवार किसका है। हम कितने मात्र भौतिकता के अंदर ही, माया के अंदर ही उलझे हुए हैं और दावा लेते हैं स्वामी मौत का, और मौमिन तो जो मर जाएगा वो है मौमिन। तो मरना वो विष पीकर के मरना नहीं है, पहले पी तो सरबत मौत का, जो संसार से जिंदा मर जाए। लालदास जी महाराज जीते जी मरे हुए थे, चक्रसाल जी महाराज जीते जी मरे हुए थे, नवरंग स्वामी जी जीते जी मरे हुए थे। तो इनको कहा कि मर मर जो सबको जाके चाहिए मौमिन मौत पर। उन्होंने मौत को पी लिया, यानी कि अहंकार को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये हम नाम के वो काम के मौमिन, इतना फर्क है। हाँ हम लोग थे कहा, कौन सा सागर सबसे निकलेगा, क्योंकि मैंने कहा हमारी दृष्टि मात्र संसार से ऊपर जंदा जी के पार जाती नहीं है, इसीलिए आपने सागर किताब कितनी बार पढ़ा होगी, कितनी बार पढ़ा होगा सागर, आप सागर पढ़े होंगे कितनी बार, तो आज फिर एक बार पढ़ना और देखना कि उसके अंदर महर सागर किसके अंडर के अंदर। महर के अंदर क्या क्या है, हुक्म महर के हाथ में, जोश महर के अंदर, इशक आवे महर से ना, इलम थे ना, सब सब कुछ महर के संग है। तो महर किसके संग है, सब कुछ महर से मिलता है तो महर किससे मिलती है, प्रेम से। प्रेम होगा तभी तो सब कुछ मिलेगा। अच्छा प्रेम से मिलती है तो प्रेम किससे मिलता है, या सागर का नाम है, आप सागर राज जी के लिए मत भूलना। सागर को चॉइस करना है तो सागर को पढ़ो, सबसे बड़ा सागर है निस्बत का सागर, जीत निस्बत की तो मह है। या हमें संसार में भी एक सामान्य रूप में आप देखो कि आपको परिवार मिलता है, धन मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, सब कुछ सुख आपका मिलता है, किससे मिलता है, सन्मान से, कि पड़ोसी आपको नहीं दे जाते, कौन देता है, परिवार। एक वारी कन्या है, शादी हुई, चार फेरे, मंगलसूत्र आ गया, रातों रात पति की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है, किसने दिया, सन्मान। तो सब कुछ यहाँ एक लौकिक में भी सन्मान से सब कुछ मिल जाता है, तो फिर नूर है, नीर है, शीर है, इलम है, इश्क है, मैं ये किससे मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि ब्रज के अंदर गोपियों ने कुछ पकड़ा गहनाई से, भले निस्बत परमधाम की नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी माना क्या, कृष्ण ही हमारे आत्म के पति है। यहां तक कि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी उथला के अंदर जवाब दे दिया, क्या जवाब दिया था, जब कृष्ण जी ने वापस घर जाने के लिए कहा तो गोपियों ने जवाब क्या दिया, जब कहा कि आप जाओ आपके पति आपके इंतजार कर रहे होंगे, आपके बच्चे आपके दूध के लिए रो रहे होंगे, तो क्या कहा, आपो रोपियो फल तनो बाण काटा कुटुंब पाखल, बीजो जापो रखो वो करे शोरे सन्मद तेसु फल। दृष्टांत देकर के समझा कि हमारे पति है, हमारे बच्चे है, हमारा घर परिवार सब कुछ है, लेकिन हे कृष्ण हम जिनके पास आए हैं, जिस सबको छोड़ करके, वो कौन और आप कौन हो मानेंगे। जापो रखो वो करे, एक आम का बगीचा हो, बाग हो बड़ा सा, और उस बाग के अंदर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हो, और उस बाग को चारों ओर से कहा ना
बार कुटुंब पागल ना, तो ये ऐसे बार मतलब दीवार बना दियो चारों ओर उस बात की रक्षा करने के लिए, जाको यानी कि गेट आगे ही होता है और उस गेट के अंदर चौकीदार दिया हो उस वृक्ष की उस फल की जो रक्षा करने के लिए जो भी आम आएंगे उसकी रक्षा करने के लिए, तो उस फल के ऊपर अधिकार किसका है, वो चौकीदार का है किसका है, ये मालिक का है, मालिक का चौकीदार क्या है, मात्र उसकी रखवाली करने के लिए। तो जिसको छोड़कर क्या है ना, वो भी शरीर की रखवाली करने के लिए थे और कुटुंब परिवार कौन थे, वो हमारी दीवार ही जो चारों ओर से घेर करके उसकी रक्षा करने के लिए बनाई लिए। या हमें धर्म धनी ने जो परिवार दिया है, जो पति दिया है उसके लिए था, लेकिन हमारे आत्मा के पति तो कौन है, अवगुण पद न होके तो गुण धनी हो गए क्या मुझे, अवगुण किया था कहां तो अपने गुणवान पति को भी संसार में पतिव्रता स्त्री चाहे कुछ भी हो जाएगा, पति लोभी हो, पति क्रोधी हो, पति दरिद्र हो, जैसा भी हो फिर भी पति को नहीं छोड़ना कहा है, यही वेद मर्यादा है। कुलवधुआ नारद कहती है, वो क्या कहती है, अवगुण पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपके अंदर तो कोई अवगुण ही नहीं, गुण ही गुण है, तो फिर आप जैसे पति को छोड़ करके हम कहां जाएंगे। तो सबसे ज्यादा उन्होंने पकड़ा किसको, किसको पकड़ा, निस्बत को पकड़ा। या शादी होने के बाद पति और पत्नी तो जैसा भी हो, दुख हो, सुख हो, धन कम हो, धन ज्यादा हो, चाहे जो भी कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हम जीवन भर उसको निभाते हैं और उसी में चलते हैं कि नहीं।